फ्रेंड्स वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग केपी गोड़ा। आई एम योर पर्सनल टीचर कुमार पारस। आज लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो, 10 मोस्ट कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश। अब फ्रेजेस की बात होती है तो फ्रेजेस होते क्या है इसको समझिए। इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टूगेदर एज ए कॉन्सेप्चुअल यूनिट। एक शब्दों का छोटा सा समूह जो साथ साथ प्रयोग करे जाते हैं एक यूनिट के रूप में और जिसका अपना एक अर्थ होता है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश को इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, प्रभावी बनाने के लिए हम फ्रेजेस का यूज करते हैं। तो आज कौन कौन से 10 फ्रेजेस हैं आइए देखते हैं। पहला फ्रेज है चेयर अप, द सेकंड इज एक्सक्यूज मी, थर्ड नेवर माइंड, फोर्थ कुड यू प्लीज, फिफ्थ बाय द वे, सिक्स ड्रेस अप, सेवन कम ऑन, एट इफ आई वर यू, नाइन शूट अप, 10 थैंक्स सो मच। आइए देखते हैं एक एक करके 10 फ्रेजेस के लिए बड़ी तेजी के साथ फटाफट। ओके आइए समझते हैं। द फर्स्ट फ्रेज इज चीयर अप। कब यूज करा जाता है? हैप्पीनेस एक्सप्रेशन के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए। ठीक है, मैच हो रहा है, लड़के खेल रहे हैं, साथ में रिलेटिव्स खड़े हुए, फ्रेंड्स खड़े हुए, कोच खड़ा, चीयर अप बॉयज, चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। ओके, चीयर अप बॉयज, यू हैव डन वेरी वेल। ओके नेक्स्ट एक्सक्यूज मी। हम लोग के अंदर मन में क्या भ्रांति रहती है कि एक्सक्यूज मी का प्रयोग केवल माफी मांगने के लिए करते हैं, ना? एक्सक्यूज मी का प्रयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए भी करा जाता है। भीड़ खड़ी हुई है, हमें भीड़ में से निकलना है, बीच में से जाना है ना? हम ये नहीं चाहते कि हमारा कंधा किसी से टकराए, हम किसी से टच करें, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी। अगर व्यक्ति समझदार है तो अपने आप आपको साइड दे देगा, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। द नेक्स्ट फ्रेज इज नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कैसे प्रयोग करते हैं नेवर माइंड? ओके, कब प्रयोग करा जाता है? कोई किसी भी बात को समझा रहा है, कोई सम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, या कोई डिस्कशन चल रहा है और हमें उसको समझा नहीं पा रहा है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम कहते हैं नेवर माइंड, आई विल डू इट, नेवर माइंड, आई विल सॉल्व इट। ओके नेक्स्ट कुड यू प्लीज, बड़ा अच्छा फ्रेज है। रिक्वेस्ट, वो भी कैसी हुई, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए कुड यू प्लीज का प्रयोग करते हैं। ओके क्या है ये कुड? मॉडल वर्ब है, कैन की पास्ट फॉर्म है। ओके कुड यू प्लीज, अब यहां पर ये फ्रेज के रूप में यूज करा गया है। कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या आप कृपया मुझे अपनी पुस्तक देंगे? कुड यू प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वॉटर, क्या आप कृपया मुझे एक ग्लास पानी देंगे? नेक्स्ट बाय द वे, बाय द वे कब यूज करते हैं? बातचीत चल रही है, हमें बात को काट के नई बात शुरू करनी, बाय द वे। अब कोई बात चल रही, दोनों में कोई बातचीत चल रही, तो पहला व्यक्ति दूसरे कहता है बाय द वे हाउस योर फादर, अरे वो तो ठीक है, तुम्हारे यहां पिताजी कैसे हैं? बाय द वे हाउस योर फादर, ठीक है। नेक्स्ट ड्रेसअप, तैयार होना, ड्रेसअप क्विकली, वी हैव टू गो टू द वेडिंग, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है। ड्रेसअप क्विकली, वी हैव टू गो टू द पार्टी, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। ओके नेक्स्ट कम ऑन, मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, कम ऑन यू कैन डू इट। कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और थोड़ी सी कसर है, हम कह रहे कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, ये एक्सप्रेशन। ओके नेक्स्ट इफ आई वर यू, सलाह देने के लिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? इफ आई वर यू, आई वर यू, इफ आई वर यू आई वुड नाउ डू इट, यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना, आई वुड नाउ डू इट, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। नेक्स्ट शूट अप, तेजी से बढ़ना, द प्राइसेस ऑफ गोल्ड आर शूटिंग अप नाउडेज, अरे भाई सोने के भाव, अरे आजकल बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थैंक्स सो मच, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जैसे प्लीज का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे थैंक्स का यूज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद देने के लिए, कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई कार्य करता है, हमें जरूर धन्यवाद बोलना चाहिए। ओके थैंक्स सो मच फॉर आंसरिंग मी, किसी व्यक्ति से आपने कोई सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, थैंक्स सो मच फॉर आंसरिंग मी, जवाब देने, मुझे जवाब देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स सो मच फॉर सॉल्विंग द सम, सवाल हल करने के लिए धन्यवाद। क्लियर है? ओके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है, बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। आई विल वेट, मैं आपका इंतजार करूंगा। और अगर कर सकते हैं तो 1-2 फ्रेजेस जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो मुझे पता लगता है कि आप लोग वीडियो सुन भी रहे हैं या खाली ऐसे ही लाइक करते थे। ठीक है, तो लाइक तो करना ही है, लेकिन साथ में कमेंट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो एक आध कमेंट जरूर लिखिए।
ओके थैंक यू, और बताइए जरूर वीडियो कैसी लगी। ओके।